हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल यूनिक ट्रेंड। देखो दोस्तों, ये वाला मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का। तो फर्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट गैजेट लेके आए हूँ, जो हर एक यूट्यूबर का और जो रील्स बनाता है, इवन जो फोटोग्राफर है, सभी लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हर एक यूट्यूबर चाहता है उनका वीडियो क्वालिटीज हो। तो यार, क्वालिटीज के लिए सबसे पहले मोबाइल के साथ साथ दो चीज का बहुत जरूरी होता है, एक है लाइट्स और दूसरा है माइक। तो यार, आज वाली वीडियो के अंदर एक रिंग लाइट के बारे में बताऊंगा, जो एक वन ऑफ द बेस्ट रिंग लाइट है। तो गाइस, अभी आप लोग कैसा ब्राइटनेस देख पा रहे हो, अभी का ब्राइटनेस और जो रिंग लाइट लगाने के बाद कैसा ब्राइटनेस होगा, सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आप लोग के सामने दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली आ चुका है हमारे पास, ये रहा रिंग लाइट और ये कॉम्बो पैक है। तो इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सारे फीचर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ। फाइनली ये रहा रिंग लाइट, और सबसे पहले इसका ब्रांड की बात करें तो डिजिटेक का ये ब्रांड है, और नीचे ये देख पा रहे हो कॉम्बो पैक है विथ 9 feet लाइट स्टैंड, मतलब रिंग लाइट के साथ साथ स्टैंड भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और मॉडल की बात करें यहाँ पे DRL8HC9 का है, ठीक है। तो और नीचे की साइड में आए तो ये देख पा रहे हो नो शेडो अपेचर, तो ये बहुत मेन पार्ट रखता है LED लाइट का। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों, आप लोग अगर नॉर्मल लाइट लगाओगे तो आप लोगों को पता होगा पीछे की साइड शेडो होता है, तो इस लाइट का ये खास बात है, यहाँ पर कोई भी शेडो नहीं आएगा। मज़ा आया। और नीचे की साइड यहाँ पे देखोगे 55 वाट का पावर आउटपुट है। टेम्परेचर की बात करें तो 3200K से लेके 5600K के बीच में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब बेसिक सा चीज़ है। और इस साइड में जो स्टैंड का फीचर दिया गया है, इस साइड में दिया गया है, तो ये बाद में जब इसको असेंबल करूँगा तब आप लोगों को दिखा दूंगा। और पीछे की साइड में जो यहाँ पे फीचर, मेन फीचर आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ और आउटपुट के बारे में, और ये सब बेसिक सा चीज़ है, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। अभी इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। फाइनली हम इसको अनलॉक कर चुके हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंदर स्टैंड, जो काफ़ी भारी लग रहा है। अभी गाइस, इसके अंदर मेन पार्ट आती है रिंग लाइट। यहाँ पर नेक्स्ट पैकेट आती है रिंग लाइट का, तो ये आ चुका है ठीक ठाक से। तो इसको अनलॉक करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं, तो पहले स्टैंड निकाल लेते हैं अनबॉक्सिंग करने से पहले। तो यहाँ पे है, और ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत दिया गया है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये 3 सेक्शन जैसे अनलॉक करेंगे, ये एक के बाद एक उसका हाइट इंक्रीज कर पाओगे। तो ये टोटल पूरा 9 feet का है। सबसे पहले इसको फ्लोर पर प्लेस कर लेते हैं। स्टैंड को अगर एक्सपेंड करना चाहते हो तो इस सेक्शन को अनलॉक करके रखे, इसको ऊपर की साइड में खींचना है, तो ये जो स्टैंड होगा ये चारों ओर फैल जाएगा। जैसे फुलफिल हो जाता है, इसको लॉक कर देना है। अभी गाइस, इसका हाइट को अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे जितना हाइट में रखना चाहते हो उसको रख के इसको लॉक कर देना है, और भी चाहते हो तो हाइट इसको और भी इंक्रीज कर सकते हो। ये मेरे लिए अभी इतना तक सफिशियंट है। इस स्टैंड के अंदर इतना ही चीज है, और बाकी यहाँ पे फिटिंग करने के लिए दूसरा बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिया गया है। तो फाइनली ये रहा रिंग लाइट, और एक खतरनाक अद्भुत बैग दिया गया है। इसका भी बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ा दिया गया है, और चाहते हो तो इसको मार्केट से सब्जी वगैरह भी लेके आ सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं। वाओ, ये रहा फाइनली हमारा रिंग लाइट जो। और गाइस, इसके अंदर क्या क्या है अभी मैं बताऊंगा। कैसे को जरा सबर करो। ये रहा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो हमें इसका जरूरत नहीं है। और नीचे क्या क्या है और भी चीजें देख लेते हैं। और बाकी ये जो चीजें दिया गया है, चार्जर है आई थिंक, और देख लेते हैं क्या है। पूरा खाली है, चलो इसको रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 छोटा-छोटा चीज़ें दिया गया है, जो सबसे पहला है मोबाइल और कैमरा होल्डर, और यहाँ पे जो माउंट दिया गया है ये रिंग लाइट के ऊपर फिट होगा। और यहाँ पे तीसरा चीज़ है चार्जर, जो AC और DC करंट दोनों में ही चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे फिटिंग करना है वो देख लेते हैं। इसको सबसे पहले फिटिंग कर लेते हैं, इसको अनलॉक कीजिएगा थोड़ा टाइम, और ये नोजल को टाइट कर देना है। तो नोजल टाइट करने के बाद ये फिटिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इसको अगर ऊपर नीचे करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा लूज करना है, लूज करने के बाद ये देख सकते हो ठीक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग लाइट फिटिंग हो चुका है, अभी बाकी यहाँ माउंट का और कैमरा होल्डर कैसे फिट करना है। जिसको यहाँ पे फिट करना है थोड़ा सा मूव कर लेना है, जितना टाइम ये पूरा टाइट नहीं हो जाता उतना टाइम आपको मूव करना है। और यहाँ पे मोबाइल होल्डर को फिट करना है, और दोनों साइड से यहाँ पे फिटिंग कर सकते हो, जैसे मर्जी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में ही यहाँ पे फिटिंग कर सकते हो। जैसे फिटिंग हो जाता है, अगर इसको अगर मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे एक नोजल दिया गया है, इसको
लूज करना है। लूज करने के बाद देखोगे ये ऊपर नीचे होता रहेगा और जैसे आपकी मर्जी वहां ऐसे पोजीशन में रख के इसको टाइट कर देना है और ये टाइट हो जाएगा। माउंट और मोबाइल होल्डर दोनों ही फिटिंग सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप लोग और भी चीज फिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे और नजर दिया गया है, आपके हिसाब से आपको फिटिंग करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मैं मोबाइल को फिटिंग कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे मोबाइल फिटिंग हो चुका है। और अगर आप लोग इस मोबाइल को और जगह पे अगर टिल्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इस नोजल को लूज करके टिल्ट करवा सकते हो। फाइनली यहाँ पे रहने देते हैं। अभी दोस्तों सक्सेसफुली सारे चीज फिटिंग हो चुका है। और अगर पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पे एसी करंट के लिए प्लग दिया गया है, प्लग को यहाँ पे कनेक्शन देना होगा और यहाँ पे स्विच दिया गया है। और इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों साइड पे बैटरी का कंपार्टमेंट है तो दोनों ही साइड में बैटरी लगेगा। बट यहाँ पे मेरा बॉक्स के अंदर बैटरी इंक्लूड नहीं था, इसको अंदर जाके स्पेसिफिकेशन मुझे और एक बार पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर बैटरी है इंक्लूड है या नहीं। तो ये बैटरी कंपार्टमेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको प्लग कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप लोग को एक बार बता देना चाहूँगा, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करने से पहले आपको ये वाला लाइट का स्विच ऑफ करके रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और ये वाला स्विच ऑफ है और स्विच ऑफ करने के बाद हम इसको कनेक्शन ऑन करते हैं, प्लग कर लेते हैं फाइनली और स्विच ऑन कर दिया। तो यहाँ का स्विच ऑन कर लेते हैं सबसे पहले और ये रहा थोड़ा धोखा हो गया था हमारे साथ, तो इसमें प्लग का जो कनेक्शन है इसमें थोड़ा सा लूज था और इसको अभी सही कर दिया। और अभी हम स्विच ऑन कर लेते हैं, 1 2 3। तो स्विच ऑन हो चुका है फिर भी ये नहीं जल रहा है, बिकॉज यहाँ पे दो स्विच और भी है। सबसे पहले इसको ऑन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले ये लाइट, दूसरा वाला जो डिम वाला स्विच है यहाँ पे वार्म होता है, जो आप अभी कलर देख पा रहे हो इस टाइप का होता है। तो इसको आपको थोड़ा मूव करना है और मूव करते ही इसका ब्राइटनेस ठीक हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से होगा, जो डिम वाला स्विच है इस तरह से कलर देता है। और यहाँ पे जो कलर का ब्राइटनेस अगर ऊपर नीचे करना है तो राइट वाला स्विच को मूव करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो कूल ब्राइटनेस है यह दिखाई देगा। फाइनली गाइज ये पूरा के पूरा असेंबल हो चुका है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका ब्राइटनेस कैसा है, पहले अभी का ब्राइटनेस देख लो। गाइस अभी का जो ब्राइटनेस देख पा रहा हो विदाउट रिंग लाइट है। अभी गाइस मैं रिंग लाइट के साथ कैसा ब्राइटनेस आता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो फाइनली गाइस अभी जो व्यू देख पा रहे हो यहाँ पे रिंग लाइट के साथ है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो विदाउट रिंग लाइट और रिंग लाइट के साथ कैसा आता है। तो ये रहा रिंग लाइट के साथ और ये एक ही रिंग लाइट है और बाकी नॉर्मल एक दो लाइट ऊपर है तो उसका ब्राइटनेस तो आता ही नहीं है, बस ये रिंग लाइट का ही ब्राइटनेस अभी आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों इस वीडियो को पसंद आता है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।